प्यार से मुस्कुराते हैं ये, सबको जीना सिखाते हैं ये, धूप में बन के साया चले, फूल बन के हमेशा खिले, कभी टूटे नहीं कभी छूटे नहीं, गम की आँच से भी नहीं ये पिघल, चाचा का कत्ल किसी और ने नहीं, मैंने किया है। हे भगवान, जिसके साथ जिंदगी जीने का सपना देखा था, आज उसी की आंखों में अपने लिए नफरत भरने जा रही हूँ। मैंने कहा था ना कि शंकर को बचाने के लिए मैं सुजाता को मजबूर कर सकती हूँ कि वो शंकर के सामने अपने आप को चरित्रहीन साबित करे। मैं अपने दिल पर और बोझ नहीं रख सकती। नमस्कार, मेरा नाम ऋतुराज है और आज से सूरज का किरदार मैं निभाऊंगा। देर से ही सही, पुलिस को वो सच्चाई पता तो चली, लेकिन दुख तो इस बात का है कि सुजाता के बारे में सच्चाई जानने के बाद शंकर कितना दुखी होगा, क्या गुजर रही होगी उस पर। किसी ने सच ही कहा है और शायद सुजाता जैसी चरित्रहीन औरतों के बारे में ही ऐसा कहा गया है कि औरतों को समझना बहुत मुश्किल है। वो कब क्या कर जाएगी, किसके लिए खुद को लुटा देगी, किसके साथ वफा करेगी और किसके साथ दगा, कहना मुश्किल है। इतने साल शंकर के साथ गुजारने के बाद शंकर के प्यार का सुजाता ने ये सिला दिया। इस बात की शिकायत तो उसे होनी ही चाहिए, मगर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखो अंधेरा, मैं नहीं जानता कि ये सब जानने के बाद शंकर क्या फैसला करेगा, क्या कदम उठाएगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मैं अब कभी सुजाता को माफ नहीं कर सकता और ना ही कभी सुजाता इस घर में कदम रखेगी। अरे अंतरा, तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? तुम रात भर सोई नहीं क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। झूठ बोल रही हो तुम। तुम सारी रात जगी भी रही हो और रोती भी रही हो। तुम्हारी आंखें इस बात की गवाही हैं और अभी भी तुम्हारे चेहरे पर परेशानी है। बताओ अंतरा, आखिर बात क्या? मैं सच कह रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। कोई बात नहीं है? देखो अंतरा, बात को टालने की कोशिश मत करो। मैं इतना तो जान चुका हूँ कि कुछ ना कुछ बात तो जरूर है, और आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम मुझे नहीं बताना चाहती? आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे मैं भी सुजाता जैसी ही हूँ। नहीं अंतरा, तुम्हारे बारे में तो मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम इस घर के लिए जी रही हो। तुमने अपना हर फर्ज निभाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन तुम्हारी ये बेचैनी मैं समझ नहीं पा रहा हूं। देखिए, आप किसी के बारे में क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता, मैं तो सबके जज्बातों के बारे में सोच सोच कर परेशान हो गई हूँ। पूरी रात शंकर और सुजाता के बारे में सोच सोच कर रोना नहीं रुक रहा था मेरा। शंकर को कितना बड़ा सदमा लगा होगा और अब सुजाता की जिंदगी का क्या होगा? पति के बगैर पत्नी तो अधूरी ही होती है, और सुजाता ने अपनी गलतियों की वजह से अपने आप को अधूरा कर लिया। अब उन दोनों की जिंदगी का क्या होगा? ठीक कह रही हो तुम, अब तो शंकर भी अपने बच्चों को सुजाता के पास पलने नहीं देगा। कि ऐसी औरत आखिर क्या संस्कार देगी अपने बच्चों को? एक बात कहूं? हाँ कहो। मुझे लगता है सुजाता से गलती हुई है, मगर उसे अपनी गलती का एहसास भी है, इसीलिए तो उसने शंकर के सामने इस बात को कबूल किया। अगर उसे अपनी गलती का एहसास है तो क्या उसे माफ नहीं किया जा सकता? पता नहीं,
उसे माफ करना ना करना शंकर की मर्जी है, और मैं तो तुम्हें अपनी सोच बता ही चुका हूं। गलती को माफ किया जा सकता है, गुनाह को नहीं। और गुनाह जैसा हो सजा वैसी होनी चाहिए। कल रात को मैंने इंस्पेक्टर से फोन पे बात की थी, अब तो वो इनायत चाचा के कत्ल का कारण भी उनके सामने आ गया है। सिकंदर भी पकड़ा गया, लेकिन अब भी कुछ कानूनी अड़चने हैं जिनके सुलझने के बाद ही शंकर को रिहाई मिलेगी। लगता है मैंने इनायत को मरवा के गलती की, उसकी जगह मुझे शंकर को ही मरवा देना चाहिए था। तुमने दिया था कि इनायत का कत्ल तुमने क्यों किया, और एक बयान हम तुमसे लेना चाहते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि जो तुम कह रहे हो हम मान लेंगे? ये आप क्या कह रहे हैं ऑफिसर? तुम्हारे खेल को मैं अच्छी तरह समझ चुका हूं सिकंदर, काफी शातिर खिलाड़ी। कानून को धोखा देना कोई तुमसे सीख। मैंने कोई धोखा नहीं दिया ऑफिसर। कानून के सामने हाजिर होकर अपना जुर्म कबूल करना कोई धोखा नहीं होता। धोखा तो वो करते हैं जो जुर्म भी करते हैं और अपने जुर्म को छुपाने की कोशिश में कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं। वो खिलाड़ी कोई और हो, तुम एकदम अलग हो, ये बात तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि हर केस की छानबीन पुलिस जरूर करती है, और पुलिस के ऊपर भी कुछ है जहां अपराध का फैसला सुनाया जाता है, जिसे अदालत कहते हैं। और हमारी लाख कोशिशों के बाद भी बहुत सारे अपराधी कानून से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। तुमने भी अच्छी कोशिश की। नहीं ऑफिसर, मेरा ये मकसद कतई नहीं था कि मैं खुद को पुलिस के हवाले करूं और अदालत से बच जाऊं। कत्ल की वजह जो तुमने बताई थी वो वजह ही झूठी साबित हो जाती। जब वो वजह ही झूठी है तो कत्ल की बात साबित होगी कैसे? और शायद यही प्लान था तुम्हारा। इस तरह पुलिस की छानबीन भी खत्म हो जाती और तुम अदालत से बच निकलते। नहीं ऑफिसर, वो सच तुमसे कबूल मैं करवाऊंगा, और वैसे भी मैं तुमसे इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि सच्चाई खुलकर सामने आ चुकी है, वो सच्चाई जिसे छुपाने के लिए तुमने इनायत चाचा का कत्ल किया था। कौन सी सच्चाई ऑफिसर, किस सच्चाई की बात कर रहे हैं आप? तुमने अपने नाजायज संबंधों को छिपाने के लिए इनायत चाचा का खून किया। वो नाजायज संबंध जो सुजाता के साथ तुम्हारे थे। नहीं ये झूठ है, झूठ है ये, सरासर झूठ है ये, सरासर झूठ है ये। ये सच है, ये झूठ है ऑफिसर, क्योंकि खुद सुजाता ने ये बात शंकर के सामने कबूल की है और मेरे सामने भी। ये झूठ है ऑफिसर, झूठ है, सरासर झूठ है ये। कसम है मुझे अपने पाक परवरदिगार की, मैंने उसे अपनी बहन की तरह माना है, अपनी बहन समझा है उसे। अरे उस नेक जात पर इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगा रहे हैं आप लोग? क्यों इतना बड़ा जुल्म कर रहे हैं उस पर?
अल्लाह रहम फरमा करम फरमा। वो औरत जो अपने आप को रितेश की पत्नी कहती है, मैंने उसका फोन कितना ट्राई किया मगर हमेशा उसका मोबाइल बंद ही रहता है। मिताली, उसे रोकने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। मैंने तो आपको सारे रास्ते बता दिए थे। नहीं मिताली, तुमने जो कहा वो ठीक नहीं। हम सूरज को ऐसी हालत में नहीं पहुंचा सकते। इससे तो अच्छा होगा कि हम ये पता कराएं कि रितेश की पत्नी कौन है और कहां रहती है। देखो मिताली, अगर एक बार उसका पता चल गया तो उसे रोकने का रास्ता भी मिल जाएगा। बस किसी भी तरह पता लगाओ कि रितेश की पत्नी है कौन और कहां रहती है। बेवकूफ, मैं तेरे सामने खड़ी हूँ और तू मुझसे ही मेरे बारे में पता लगाने के लिए कह रही है। जितना पैसा लगेगा मैं दूंगी, खर्च की कोई परवाह नहीं। बस इतना पता लगाओ कि वो कहाँ रहती है। कैसी बातें कर रही हो दीदी, वो वहाँ दिल्ली में बैठी है और हम यहाँ पे। तुम्हें कैसे पता कि वो दिल्ली में है? आपको क्या हो गया दीदी? जीजू ने आपको बताया था और शायद आप ही ने तो मुझे ये बात बताई थी कि वो दिल्ली से आने वाली है। भूल गई क्या आप? हाँ हाँ ठीक है। देखो मिताली, हमने जो कुछ भी किया कुछ भी सही नहीं हुआ। हमने सुजाता को सिर्फ इसीलिए बदनाम किया था ताकि सूरज और शंकर के बीच का रिश्ता खराब हो, मगर ऐसा नहीं हुआ। और अब शंकर रिहा होने वाला है और तुम्हें पता है सूरज उसे वापस इसी घर में लाना चाहते हैं। इसीलिए तो कह रही हो दीदी कि आपको आखिरी बार हिम्मत करनी होगी। नहीं नहीं मिताली, ये ठीक नहीं। तुम ही देख लो क्या हो रहा है। हमने तो सुजाता को सिर्फ बदनाम करने की कोशिश की थी, मगर उसने तो शंकर के सामने सब कुछ खुद ही कबूल कर लिया। उसने तो शंकर के सामने सब कुछ खुद ही कबूल कर लिया। हाँ, उस बात से तो मैं भी हैरान हूँ। देखो ना, हमने तो सिर्फ नाटक किया था, लेकिन वो बात सच निकली। नहीं मिताली, मैं जानती हूँ कि सुजाता ऐसी नहीं है। इसीलिए तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसने ऐसा क्यों कहा। आप इस वक्त किसी और के बारे में नहीं पर अपने बारे में सोचिए कि हम आपको कैसे बचाएंगे। हाँ मिताली, शंकर के साथ हम रिश्ता तोड़वाना चाहते थे मगर वो तो नहीं हुआ। मगर मुझे डर है कहीं तुम्हारे जीजू के साथ मेरा रिश्ता ना टूट जाए। मैं भी देखती हूँ कब तक तुम मेरी बात मानने से इनकार करती हो। अच्छा हुआ आप आ गए। एक बार मैंने आपकी बात मानने से इनकार किया था, लेकिन अभी वही सच्चाई है जो आप कह रहे थे। अब तो आपको मेरी बात का यकीन हो गया कि इनायत चाचा के कत्ल के पीछे वजह क्या है? हाँ, पुलिस के सामने सच्चाई तो आ चुकी है कि सिकंदर ने अपने नाजायज संबंध छुपाने के लिए इनायत को मारा है। लेकिन जब तक सिकंदर इस बात को कबूल नहीं कर लेता तब तक इनायत चाचा के कत्ल को पूरी तरह साबित नहीं किया जा सकता। लेकिन उससे सच्चाई तो आप ही कबूल करवा सकते हैं। उसे कबूल तो करना ही होगा। मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि ऊपर वाले का शुक्र है कि सच्चाई सामने आ गई, वरना मेरा बेगुनाह भाई कानून का शिकार बन जाता। कैसे कैसे मुजरिम होते हैं, सारी बातें सामने आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी सिकंदर कुछ मानने को तैयार नहीं। लेकिन इतना तो साबित हो गया है कि शंकर बेगुनाह है। मैं तो यही चाहूंगा कि जल्द से जल्द उसकी रिहाई हो जाए। हाँ, लेकिन कुछ कानूनी पेचीदगियां हैं
जिसकी वजह से अदालत में शंकर की पेशी के बाद रिहाई हो जाएगी, क्योंकि केस अदालत में जा चुका है। लेकिन आप मेरा यकीन मानिए कि आपके भाई के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। अदालत उसे रिहा कर देगी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। पापा वापस आएंगे, जरूर आएंगे। तो फिर आप रो क्यों रही है? आपने सुबह से कुछ भी खाया नहीं। क्या बात, क्यों बुलाया मुझे? कैसे हो बेटा? अच्छा हो। ये लो चॉकलेट, अंदर जाके तुम सब खा लेना। ठीक है आंटी। आंटी नहीं बेटा, मुझे मम्मी कहो, मुझे अच्छा लगेगा। क्यों सुजल, ठीक कहा ना मैंने? कल के बाद तो इन्हें मुझे ही मम्मी कहना है। कितनी अजीब बात है ना। तुम्हें पता है सिकंदर भाईजान को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है? अच्छा, लेकिन इसमें परेशानी वाली बात क्या है? और हाँ, पुलिस ने उसे अरेस्ट नहीं किया, उसने खुद को सरेंडर किया है। ये जज्बाती लोग भी ना बहुत बड़े बेवकूफ होते हैं। दिल के हाथों मजबूर होके ना जाने क्या क्या कर जाते हैं। इनको तो समझना बहुत मुश्किल है। रिश्तों के इन जज्बात की वजह से ही तो रिश्ते आज तक जिंदा है, वरना तुम जैसे लोग तो रिश्तों की चिता पर भी अपने स्वार्थ की रोटियां सेकने से नहीं चूकते, क्योंकि तुम लोग अपने जज्बात को तो पहले से ही मिटा चुके होते हो। तुम भला दूसरों के जज्बातों को क्या समझो? बस मैं तुम्हारी ये बकवास सुनने नहीं आई हूँ। मुझे ये बताओ, तुमने बुलाया किस लिए? तुम्हारी शर्त के अनुसार मैंने शंकर की नजरों के सामने अपने आप को चरित्रहीन साबित कर दिया ताकि शंकर सलामत रहे। लेकिन तुमने अभी तक वो वीडियो पुलिस को क्यों नहीं दिया जिसमें तुमने मुझे दिखाया था कि इनायत चाचा का कत्ल शंकर ने नहीं किसी और ने किया है? जब तक तुम इस घर में हो तब तक वो वीडियो पुलिस को नहीं मिलेगा। तुम बस इस घर से निकलने की तैयारी करो, वीडियो पुलिस तक पहुंच जाएगा। और हाँ, शंकर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो, तुम उसकी चिंता मत करो।
तुम तो जानती हो कि मैं शंकर को बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसे लॉकअप में नहीं रहने दूंगी। अपनी जुबान से शंकर को इस तरह की बातें कहने के बाद मैं इस घर में रहना भी नहीं चाहती। अगर मैं तुमसे ये कहना चाहती थी कि अगर तुम वो वीडियो पुलिस को दे दो तो ये बात साफ हो जाएगी कि वो कत्ल सिकंदर भाईजान ने भी नहीं किया है। प्लीज वो वीडियो पुलिस को दे दो। ओहो क्या बात है, सुहाग के साथ साथ अपने आशिक को भी बचाना चाहती हो। चलो ठीक है, लेकिन पहले मेरी शर्त पूरी कर दो, क्योंकि मुझे तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं कि अगर पुलिस को मैंने वो वीडियो दे दिया और शंकर रिहा हो गया और उसके बाद तुम इस घर से नहीं गई तो मेरा क्या होगा। उनकी जिंदगी में दखल देने का हक तो मैंने खो ही दिया। खैर मैं तो इस घर में नहीं रहूंगी और तुम तो इस घर में होंगी। शंकर सबा और आफरीन भी तुम्हारे साथ होंगे। वो दोनों बिन माँ बाप की बच्चियां हैं, उन दोनों का ख्याल रखना। इसीलिए तो कह रही हूँ इस घर को छोड़ के जाओ, मुझे वो वीडियो पुलिस तक पहुंचाना ही है। अब ये बताओ तुम कब जा रही हो। शंकर से मैं बहुत प्यार करती हूँ, ऐसी परीक्षा ले रहे हो भगवान। ऐसी परीक्षा तो किसी ने किसी की नहीं ली होगी और ना ही किसी सुहागन को ऐसे हालात से गुजरना पड़ा होगा। जब सारी सच्चाई पुलिस के सामने आ चुकी है तो फिर उसके कबूल करने या ना करने से क्या होता है। हमारी छोटी सी भी गलती हमारा सारा मामला खराब कर सकती है। ऐसी क्या गलती हो गई हमसे। गलती हुई नहीं है, होने वाली है।